नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम गाय का दूध, जो 2 दिन पहले बच्चा दिया है, उसका दूध से हम एक अलग तरह का मिठाई बनाएंगे। देखिए, 600 ग्राम दूध है, इसे हम पहले गर्म करेंगे कि गैस पर चढ़ा दिए हैं। इसे हम उबलने देंगे, उबलते उबलते ही ये फट जाएगा। इसमें हमको कोई विनीगर नहीं डालना पड़ेगा कि गर्म हो रहा है। देखिए, इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे में सड़ जाएगा। देखिए देखिए, गाढ़ा हो रहा है, उबाल भी नहीं आया है और दूध देखिए गाढ़ा हो रहा है। इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे सटेगा। देखिए दोस्तों, फट गया है। देखिए, इसे हम छान लेंगे। देखिए, इसे हम छान ले रहे हैं। इसका पानी को हम गिरने देंगे। देखिए, इसे हम छान लिए हैं। अब इसको हम कढ़ाई में पकाएंगे। देखिए, कढ़ाई गर्म हो रहा है। अरे, जो ये दूध को जो फटौंदा है, इसे भी बोलते हैं, इसे हम डाल लिए हैं। इसमें हम देखिए चीनी आप अपने आवश्यकता अनुसार दीजिएगा, कैसा खाना पसंद करते हैं। आधा कटोरी हम चीनी डाल रहे हैं। इसे लो मीडियम फ्लेम पर भूंजेंगे। देखिए, चीनी गल गया है। इसे हम धीमी आंच पर धीरे धीरे हम पकाएंगे। इसमें देखिए, 3 इलायची को हम कूट कर डाल दे रहे हैं। और इसे हम चलाते रहेंगे, नहीं तो सड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, चीनी पूरा सूख गया है। अरे, गाय का जो दूध का जो फेनुस था, इसे देखिए बनकर तैयार हो गया। इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसे इसमें प्लेट में हम घी लगाकर इसमें हम फैला दिए हैं। और इसे हम 2 घंटा के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद आपको जो शेप में काटना है आप काट सकते हैं। चलिए, 2 घंटे बाद हमें देखिए दोस्तों, इसे हम चाकू की सहायता से काट लिए हैं। और देखिए, इसे हम देखिए उठा लेते हैं। देखिए, कलाकंद, इसे बोल सकते हैं कलाकंद। फेनुस, गाय का फेनुस से कलाकंद बनकर देखिए देखिए, इसे हम तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए, कलाकंद बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, आप खरसप तो बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर खाइए, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों, आप भी मेरे बताए तरीके से बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।